नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पारो बेटी, पारो, पारो बेटा, पानी आने वाला है, जल्दी से इसको उठा, अंदर चल। हाँ बाबा। बेटी गंगा कहाँ गई? वो मंदिर गई है। ओहो, जल्दी उठा, चल चल। मत्रो, गंगा जो हो गया वो मन्ने को ढेर अच्छा लागे, पर मन्ने को तय के तेवर बिल्कुल अच्छे ना लागे। मन्ने की एक बात तय कान खोल कर ध्यान से सुन लिया, अगर तय ने इसकी खबर किसी को दी तो मन्ने तय को, तय की भेड़ा, तय के बूढ़े बाप को जिंदा ना छोड़ू, सबके सीने में गोली दाग दू। इस हालत में इधर कहां जा रही? गंगा, गंगा, शंकर, क्या हुआ जीजी को? मुझे क्या मालूम, मैं तो बरसात से बचने के लिए पेड़ के नीचे रुका हुआ था। बरसात बंद होने पर जब बाहर आया तो देखा गंगा चली जा रही है, मैं भी पीछे पीछे गया, मैंने इसे आवाज भी दी पर ये रुकी नहीं, सीधे नदी में छलांग लगा दी। पारो, घर में कोई बात तो नहीं हुई थी? नहीं, घर से तो अच्छी खासी निकली थी पूजा करने के लिए। जीजी, जीजी बताओ ना कौन था? जीजी, 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 क्या धर्मदास? सारा गांव धर्मदास की बात माने पर तैने ना मानी, मन्ने तय को मना किया था ना, पर तैने अपनी जबान खोल। मालिक! अरे हट! धर्मदास जो कवे है वो करके दिखाओ। धर्मदास! कह की उम्र ऊंचा बोलने की नहीं है, ये कैसी औलाद पैदा की तार है जो बड़ों का कहना ही ना माने। मत रो गंगा, मत रो, मत रो रे, मन में ढेर अफसोस लागे, देख 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 तय का बाप भी नहीं रहा, तय की बहना भी नहीं रही।
अब तय भी जिंदा रहेगी तो क्या होगा रे, क्या फायदा तेरा जिंदा रहने का? घास लेट है, घास लेट। गंगा ने कुछ बताया पारो? नहीं। बाबा को तो कुछ नहीं मालूम ना? नहीं शंकर, अगर गांव में किसी को पता लग गया तो? कैसे पता लगेगा, ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। पारो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। एक तुम्हारा ही तो सहारा है शंकर। तुम फिक्र मत करो, लेकिन ये बात मालूम होनी ही चाहिए, वो आदमी कौन है? गंगा, पानी ला बेटा। गंगा, सारे मटके बिके बेटा? हाँ बाबा, ये लो, इसमें 5 रुपए जीजी के लिए हैं, धर्मदास ने भेजे हैं। धर्मदास ने? क्यों? जीजी की तबीयत खराब सुनकर। अच्छा अच्छा, धर्मदास सचमुच धर्मात्मा है, वो सबकी मदद करता है। जीजी, क्या हुआ? जीजी? अरे वो रघुनाथ है ना, उसकी बेटी गंगा, उसके पांव हरी हैं। गंगा बेटी, एक बार कह दे कि ये सब झूठ है बेटी। गंगा, एक बार कह दे कि ये झूठ है बेटी, ये झूठ है गंगा, ये कहते कि ये झूठ है। सौ दुख सहे मैंने तेरे लिए, तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, तुझे सीने से लगा के रखा, क्या इसीलिए कि तू मेरे सीने पे अंगार रख दे? इससे तो अच्छा था, इससे तो अच्छा था कि तू पैदा होते ही मर जाती। पैदा होते ही मर जाती। छोड़ दूँ तुझे, छोड़ दूँ तुझे। सच कहती है बेटी, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। नहीं बताएंगे तो गांव से बाहर निकालेंगे, गांव से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। बेटा, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। बाबा, बाबा तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? बाबा, बाबा, बाबा तुमने हमें पाला पोसा, बाबा, बाबा तुम भी हमें छोड़ के जा रहे हो? किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो बाबा?
अब मैं किसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ बाबा? नहीं बाबा, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। नहीं बाबा, नहीं, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो बाबा, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो, हमें छोड़ के मत जाओ बाबा, हमें छोड़ के मत जाओ बाबा, मत जाओ। चलो बाबा। क्या नहीं हो सकता पारो? ये ब्याह है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है शंकर। जीजी को अपना लो, वरना वो जहर खाकर मर जाएगी। पापा भी जिंदा नहीं रहेंगे, तुम्हें मेरी कसम। अपनी कसम देकर हमारे प्यार का गला मत घोटो पारो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गंगा से ब्याह कैसे कर पाऊंगा? शंकर, मैंने तुमसे एक छोटी सी भीख मांगी है, मेरी जीजी की इज्जत पर अपनी दया की चादर डाल दो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यह भीख देकर हमेशा के लिए भिखारी हो जाऊं, जानबूझकर यह जहर पी लूं और फिर तड़पता रहूं जिंदगी भर? जानती हो पारो, तुम्हारी बहन की इज्जत पर चादर डालने से पहले हमें अपने प्यार पर कफन डालना होगा। वो कफन मुझ पर डाल दो, समझ लो मैं मर गई। नहीं पारो, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं समझती थी तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो सब झूठ था। तुम प्यार का मतलब नहीं समझे शंकर। पारो तुम्हारे लिए मर गई, अब उस पर कफन डालना या ना डालना तुम्हारे हाथ है। पारो, 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 मेरी बात तो सुनो। आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसे पत्थर ना बनो पारो। अगर तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? मैंने सोचा था तुम्हें अपनाकर इस दुनिया की सारी खुशियां मैं अपनी झोली में भर लूंगा। मैंने तो दिन रात तुम्हारे सपने देखे और तुमने ही मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। बोलो पारो, चुप क्यों हो? पारो चुप क्यों हो? तुम वो सब कुछ भूल गए? चाक बनवाने के बहाने बार बार मेरी दुकान पर आना, वो छेड़छाड़, वो हंसना हंसाना, रूठने मनाने की वो बातें, वो सब एक सपना थी। पारो, पारो मैं वो झुमका किसे पहनाऊंगा? बोल पारो, मैं वो झुमका किसे पहनाऊंगा, किसे पहनाऊंगा? मेरे घर की इज्जत गांव में नीलाम हो रही है शंकर। बाबा और जीजी कब जान दे दें ये मैं नहीं जानती। उन्हें खोकर मैं तुम्हारे लिए जिंदा कैसे रह सकती हूँ? रघुनाथ, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी गंदगी को अपने कलेजे से लगा रखा है, उसका गला क्यों नहीं घोट देते? अरे भैया, ऐसे लोगों को तो गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ रघुनाथ, हम नहीं चाहते तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का नाम लेकर कोई हमारा गाँव का नाम भी बदनाम करे। आखिर तुम्हारी लाडली बताती क्यों नहीं उस कुत्ते का नाम? मालिक सुनो तो एक बात सुनो, अगर इस बात का पता नहीं चलता तो इन लोगों से कहिए गांव छोड़ के चले जाएं। सुन लिया गंगा, या और कुछ सुनना बाकी है? क्या तू ये चाहती है कि मुंह में कालिक लगाकर हमें ये गांव छोड़ना पड़े? अरे सरपंच और गांव के धर्मात्मा के सामने तो उस पापी का नाम ले दे। गंगा बता कौन है वो नीच? मैं तो पूछ पूछ कर हार गया मालिक, अब आप ही इससे पूछिए उस लुच्चे और लफंगे का नाम। मन में पूछे हो गंगा, बता तय के साथ ये हरकत किसने की? कहीं उसने तय को जान से मारने की धमकी तो नहीं दी? बोल गंगा, गंगा बोल। अरे सरकार, कितने शर्म की बात है कि आप जैसे धर्मात्मा के होते हुए ऐसी गिरी हुई कमीनी हरकत कोई ऐरा गाना कर जाए।
कमाल है, बहुत ही गिरा हुआ कमीना और पाजी आदमी होगा कि आप कभी डर नहीं होते। तुपरा गंगा, अगर तय बता दे वे तो मन ने ऐसी सजा दे वे कि सारा गांव और तय हमेशा के लिए याद रखे, हमेशा। अरे मालिक, आपके सजा देने से पहले हम पत्थर मार मार के उसे मार डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, कोई पत्थर से नहीं मारेगा, कोई धंधा नहीं चलाएगा, जो कुछ करेगा मन्ने करेगा, मन्ने उसे जरूर सजा देगा। बता दे गंगा, गंगा बता दे वो कौन है जिसका पाप तेरे पेट में पल रहा है। तू ऐसे नहीं बताएगी, तू ऐसे नहीं बताएगी, आज मैं तुझे मार डालूंगा। बता गंगा वो कौन है, मैं समझ लूंगा कि मेरी एक लड़की मर गई। बता गंगा, गंगा बता, बता गंगा। रघु नहीं, रघु नहीं, रघु रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। आपका गुनाहगार आपके सामने खड़ा है, गंगा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। पापी नीच, तो तू है वो नाग जिसने मेरी इज्जत को डसा। शंकर, मैं तुझे सीधा साधा और भोला समझता था। शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुप, रघुनाथ तय का दिमाग पागल हो गया है। ई बेचारा सारे गांव के सामने कबूल कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदारी है, और तय इस पे हाथ उठावे, ये अन्याय है। और मन्ने को अन्याय बिल्कुल अच्छा ना लगे। लेकिन मालिक, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, शंकर और गंगा का ब्याह रचाई दियो। मालिक रखो, इसी में हम सबकी भलाई है और ये हमारा फैसला भी है। गांव वालों, मन्ने का फैसला सुन लियो, शंकर और गंगा का ब्याह रचाई दियो, समझे? और अपना अपना बाबा।